वेब सीरीज तांडव को लेकर मेकर्स के माफी मांगने के बावजूद विवाद लगातार जारी है। विवादित वेब सीरीज तांडव को पूरे देश में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सीरीज को प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी तांडव के मेकर्स के खिलाफ हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों द्वारा शिव चौक पर वेब सीरीज हाय हाय के नारे लगाकर सीरीज का पुतला दहन किया गया। वेब सीरीज के कुछ दृश्य और संवादों को लेकर विवाद जारी है। हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ के आरोपों को लेकर सीरीज को बैन और Amazon Prime वीडियो ऐप से हटाने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ विरोध अब सड़क और सियासत तक पहुंच चुका है। मुंबई, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई नेताओं ने इसके विरोध में सूचना प्रसारण मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। लखनऊ में मेकर्स के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। आज हिंदू जागरण मंच लक्ष्मी नगर द्वारा जो तांडव नाम से वेब सीरीज आई है, उसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी और हास्यप्रद दृश्य दिखाए गए हैं, जिसका हिंदू जागरण मंच कड़े शब्दों में निंदा करती है, उसका विरोध करते हैं। हमारे प्रांत मेरठ में 20 जिलों में आज एक साथ हर जिले में विरोध प्रदर्शन स्वरूप पुतला दहन किया जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसे फिल्म निर्माता, निर्देशक और जो मुख्य भूमिका में कलाकार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रासुका के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो एक समाज के ऊपर हंसी मजाक और मनोरंजन स्वरूप अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू जागरण मंच सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। अब खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी तांडव वेब सीरीज का विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते आज शिव चौक पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा वेब सीरीज का पुतला दहन कर अपना रोष प्रकट किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा तांडव वेब सीरीज का विरोध करते हुए सरकार से मांग की गई है कि वेब सीरीज को प्रतिबंधित किया जाए।